एक ओवर कंप्लीट होने पर 7 स्कोर है, दूसरा ओवर फिर हम फास्ट बॉलर से करवाएंगे ये ऑफ साइड पे। ओ भाग ले भाई, क्या उसके कपड़े गंदे हो रहे थे क्या डैप मारते हुए? ये अच्छा हुआ जा रहा है, 3 गेंदे और 3 विकेट गई है, कोई स्कोर नहीं बना। चौथी गेंद, ये देखें दोस्तों, उठा कर मारा है यहाँ पे छक्का दोस्तों, 6 रन हो जाएगा यहाँ पे। फिर उठा के दे मारा है, लेकिन यहाँ पे मेरा फील्डर रखा हुआ था तो कैच आउट हो जाएगा। ओ भाई हर गेंद पे छक्का नहीं लगता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं फिर एक और वर्ल्ड चैंपियन क्रिकेट क्षेत्र 3 की एक और मैच के साथ हाजिर हुआ हूँ। ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 2 ओवर का मैच है। तो दोस्तों, पाकिस्तान ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। ऐसा ही एशिया कप चल रहा है तो हमने बोला यार क्रिकेट पर भी एक वीडियो होनी चाहिए। चलो जी, राइट आर्म फास्ट बॉलर पहले ओवर डालेगा, थोड़ा फील्डिंग में सेट कर लेते हैं। ये देखे दोस्तों, फील्डिंग हमारी सेट हो गई है। चले देखते हैं इंडिया 2 ओवर में मैक्सिमम कितने रन बना पाता है। आपको पता है पाकिस्तान के फास्ट बॉलर कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और इंडिया की बैटिंग लाइन कितना डरती है उनसे, तो इसलिए हमने फास्ट बॉलर को ही चॉइस किया है यहाँ पे बजाय स्पिनर्स के। तो ये देखें, ये भी ऑफ स्टंप पे गेंद, देखें 2 गेंद मिस हो चुकी है यहाँ पे, कोई स्कोर नहीं अभी तक। ये फिर गेंद मैंने अंदर लाने की कोशिश करूंगा यहाँ से, ये देखें, ये अच्छा हुआ जा रहा है, 3 गेंदे और 3 विकेट गई है, कोई स्कोर नहीं बना। चौथी गेंद, ये देखें दोस्तों, उठा कर मारा है यहाँ पे छक्का दोस्तों, 6 रन हो जाएगा यहाँ पे। थोड़ा स्कोर तो बनना चाहिए ताकि मैच खेलने का मजा तो आए। फिर उठा के दे मारा है, लेकिन यहाँ पे मेरा फील्डर रखा हुआ था तो कैच आउट हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ दूसरा बैट्समैन जो कि किंग कोहली है, 1-1 पोजीशन पर आया है, देखते हैं ये क्या कर पाता है। चले जी, इसको भी उसी लाइन पे गेंद करवाएंगे 1 रन के लिए। दोस्तों ऑफ साइड पे इसने खेला है, तो एक ओवर कंप्लीट होने पर 7 स्कोर है, दूसरा ओवर फिर हम फास्ट बॉलर से करवाएंगे ये ऑफ साइड पे। ओ भाग ले भाई, क्या उसके कपड़े गंदे हो रहे थे क्या डैप मारते हुए? दोस्तों जब तक ये मैच आगे चलता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों इतनी बुरी फील्डिंग मैंने कभी नहीं देखी थी, आपके पास से गेंद जा रही हो, आप डैप नहीं मार रहे, बाउंड्री लाइन पर खड़े हैं फील्डर। तो अगली गेंद फिर करवाई है उसने, इसको लेग साइड की जाने क्लिक किया है और ये चौका हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे फील्डर मौजूद नहीं थे, तो 4 रन और हेड हुए स्कोर में, जो कि 7 से बढ़कर 11 हो गया है। तो 1 ओवर 1 गेंद का खेल हो चुका है और 11 स्कोर है अभी तक। दोबारा फिर गेंद करवाई, फिर उसको खेला है 1 और रन के लिए, तो 4 गेंद बाकी हैं। दोस्तों देखते हैं कितना स्कोर बन पाता है, ये बिल्कुल यॉर्कर लेंथ पे कराऊंगा गेंद। ये देखें दोस्तों, यही है हमारी बॉलिंग का कमाल, देखते हैं कितना स्कोर बनता है। 3 गेंदें बाकी हैं दोस्तों, ये भी बिल्कुल यॉर्कर लेंथ पे गेंद करवाई है दोस्तों, लेकिन सीधा फिल्टर के हाथ में गई, कोई स्कोर नहीं। तो सिर्फ 2 गेंदें बाकी रह गई हैं, देखते हैं कितना रन बटोर पाते हैं ये। ये देखें दोस्तों, ऑफ साइड के ऊपर से उठा कर मारा है लेकिन सीधा फिल्टर के हाथों में, तो एक और विकेट गई यहाँ पर इंडिया की। नए बैट्समैन इनके आए हैं और खाली आखिरी गेंद बाकी है दोस्तों, देखते हैं कितना स्कोर बनता है इस पे। ये पिछली गेंद का रिप्ले है जिसको इसने लेग साइड की जानिब खेला था, और यहाँ चौका हो गया था दोस्तों।
पाकिस्तान की बैटिंग शुरू होने वाली है दोस्तों, और यहाँ जो टारगेट उन्होंने सेट किया है वो है 17 रन का। पहली गेंद मिस हो गई दोस्तों, ये पहली गेंद को हिट करने जा रहा था लेकिन खाली गया बॉल। अगली गेंद देखें दोस्तों, सीधा पंग निकाल कर मारा है दोस्तों, परफेक्ट शॉट है 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन के पार। 2 गेंदें 6 स्कोर दोस्तों। उम्मीद है कि पाकिस्तान यह गेम आसानी से जीत जाएगी। फिर मिस हुई गेंद, वही पुराना वाला एंगल, ये देखें दोस्तों दोबारा फिर गेंद कराई और स्वीप खेला या मिस फील्ड हुई और चौका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। मतलब खाली पाकिस्तानी फील्डर ही नहीं है जो बुरी फील्डिंग कर रहे हैं, इंडिया वाले भी बहुत बुरी फील्डिंग कर रहे हैं, ये आराम से कैच हो सकता था। अगली गेंद दोस्तों, ये उठाकर दे मारा है सीधा फील्डर के हाथों में और कैच आउट हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पाकिस्तान की पहली विकेट गिरी है दोस्तों। ये पीछे निकल कर खेलना चाह रहा है दोस्तों, यहाँ पे फील्डर के ऊपर से उठाकर मारा है लेकिन बाउंड्री लाइन पे फील्डर मौजूद और सिर्फ 1 ही रन बना है दोस्तों। 1 ओवर के मुकम्मल होने पर 11 स्कोर हो गया पाकिस्तान का। तो पहली गेंद को उठा के मारा है दोस्तों लेकिन कैच आउट हो जाएगा, सर्कल एरिया के अंदर ये कैच आउट हो गया। तो पाकिस्तान की दूसरी विकेट गिरी है लेकिन इतना बड़ा टारगेट है नहीं जिसे चेस कर तो मुश्किल होनी चाहिए। अगली गेंद ये स्वीप मारा और सीधा चौका, 2 फील्डर के दरमियान से गेंद निकल गई, 4 रन और मिल गए। अब 15 स्कोर हो गया, 2 स्कोर चाहिए। अगली गेंद को स्वीप मारा है लेकिन फील्डर मौजूद, 1 ही रन मिल पाएगा। तो यहां रिस्क लेना नहीं चाहिए, नेक्स्ट टू बैट इनकी नौबत ही नहीं आएगी। अगली गेंद फिर स्वीप मारा है और 1 रन पाकिस्तान को जीत के लिए चाहिए जो हासिल किया। तो इस तरह पाकिस्तान ये मैच 8 विकेटों से जीत गया दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में।